बहनों, हम आज सीखेंगे दो अक्षर क्ष और त्र। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कहाँ से रास्ता भूल पड़े तुम दोनों आज? क्या बताऊं बहन जी, काम ही बहुत है। अच्छा, और सुनाओ कमल, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी। कुछ मदद करने लगा है तुम्हारी कि नहीं अभी? हाँ बहन जी, शहर का सारा काम तो यही करते हैं। अच्छा। हाँ, सामान लाना, सामान भेजना, ये तो सारी भाग दौड़ी बच गई बहन जी। और वो तेरी सासू जी, वो कैसी है? बिल्कुल ठीक है बहन जी, दिन में तो मुड़े बनाने का काम करती है और शाम को पढ़ने के लिए बैठ जाती। सच? सच मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कमला। वो कहते हैं ना, दीप से दीप जलता है। एक तेरे पढ़ जाने से पूरा परिवार शिक्षित हो गया है ना? वो बात तो सही है बहन जी, पर जाने क्यों एक चिंता मेरे को खाए जा रही है। क्या बहन जी? वो जो औरतें थी ना, जो स्कूल में पढ़ाई के लिए आती थी। हाँ? उन्होंने आजकल मुड़े बनाने के लिए काम पे आना शुरू कर दिया है, तो पढ़ाई का काम बिल्कुल ठप। ओहो, एक उपाय बताऊं बहन जी? हाँ बोलो। हम दोपहर या शाम में एक दो घंटे कारखाने में उन्हें पढ़ा दे तो? हाँ, सुझाव तो ये बहुत ही अच्छा है। तुम ये काम शुरू करो ना, और इसके लिए अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है बहन जी। ये है अक्षर त्र। इसे याद रखने के लिए बस शेर का खुला जबड़ा याद रखो, जो होता है बिल्कुल अक्षर त्र जैसा। शेर का खुला जबड़ा बिल्कुल अक्षर त्र जैसा है ना? आसान याद रखना, शेर का खुला जबड़ा त्र जैसा। इसे लिखना सिखाएगी हमारी पेंसिल। हाँ बहनों, तुम लोग तैयार हो ना ये दूसरा अक्षर सीखने के लिए? ये अक्षर है त्र। भाई ये भी बहुत आसान है, लिखें। पहले ये छोटी घूमी हुई लकीर बनाई, फिर ये तिरछी लकीर इससे मिलाकर ऐसे, और अब खड़ा डंडा यूं। ऊपर क्या रह गया? ये छत वाली लकीर बन गया त्र। और ये बन गया अक्षर त्र। एक बार फिर लिखें। छोटी सी घूमी हुई लकीर, ये तिरछी लकीर, खड़ा डंडा और ऊपर छत वाली लकीर त्र। और हाँ बहनों, तुम लोग पहले सीखे हुए सब अक्षरों को लिखते रहना। हाँ, फिर सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। देखो मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ ना, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से सीखी हुई चीज बहुत काम आती है। तो मैं चलूं, नमस्ते। तो मुझे यहाँ क्यों लाया? तुझसे विदा मांगने। वो तो घर पर भी मांग सकता था। सुधा, तूने बताया तो मुझे याद आया कि हम लोग पहली बार यहीं मिले थे, तो सोचा कि जाने से पहले तुमसे विदा यहीं मांगूं। तो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता? अभी तो कह रही थी कि सारी जिंदगी माँ की सेवा करेगी, और सामने से हटते ही पलट गई। मैं तो तेरा दिल देख रही थी, भला मैं मौसी को अकेली छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अगर मैं तुझे अपने साथ ले चलूं तो? तो मैं मौसी को भी साथ ले जाऊंगी। सुधा, मुझे तुमसे बहुत बड़ी शिकायत है। मैंने क्या किया? अरे पगली, अगर मुझसे ब्याह करना ही था तो दो चार दिन पहले कर लेती, कम से कम थोड़े दिन तेरे साथ और तो रह सकता था। ब्याह मैंने नहीं, तूने मेरे साथ किया है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो क्या तो मैं तो तुझसे कब के ब्याह कर लेती। पता है उस दिन जब तू मुझे पहली बार यहाँ मिला था,
सुधा, मैंने तेरे बारे में कुछ सोचा है। जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें सुनकर कैसा लगेगा। तेरी कड़वी से कड़वी बातें मुझे शहद की तरह लगेंगी। ऐसी बातें मत किया कर, ये पैर पकड़ती है मेरे। एक तो माँ की वजह से पहले जाना मुश्किल होता था और अब तू बीच में आ गई। तो मुझे याद तो करेगा ना? भूल जाएगा मुझे? ये मैंने कब कहा? तूने अभी गर्दन जो हिलाई? अरे पगली, आदमी याद उसे करता है जिसे भूलता हो। मैं जब तुझे भूलूंगा ही नहीं तो याद कब करूंगा? अच्छा, तू अभी कह रहा था कि तूने मेरे बारे में कुछ सोचा है, क्या? अरे अभी एक पूरा दिन है बीच में। एक रात में तो मैं सोच सोचकर आधी हो जाऊंगी बिल्कुल। अच्छा, मैं तुझे सोचने की फुर्सत दूंगा तब ना। सारी रात तेरे से बैठ के बातें करता रहूंगा। सच? ये है अक्षर न, और अगर इससे आकर अक्षर द टकरा जाए तो बन जाता है अक्षर क्ष। याद रहेगा ना? अक्षर न से लटका हुआ अक्षर द, यही क्ष। लिखना सीखें पेंसिल से। पहले छोटा सा गोला बनाया, अब इसी से मिलाकर ये घूमी हुई लकीर यूं, अब छोटी सी बिंदी ऐसे, और ये दुम वाली लकीर ऐसे, अब एक छोटी सी लेटी हुई लकीर, फिर खड़ा डंडा, और ऊपर छत वाली लकीर। बन गया अक्षर क्ष। आसान है ना? एक बार फिर लिख के देखें, फिर हमें ज्यादा समझ आ जाएगा। चलो, ये छोटा सा गोला, ये घूमी हुई लकीर, बिंदी, दुम वाली लकीर, लेटी हुई लकीर, खड़ा डंडा, हर ऊपर छत वाली लकीर। हाँ सुधा, कल तुमने पूछा था ना कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। हाँ, बताओगे? बताओ। सुधा, तुमने देखा कि ये गांव धीरे धीरे कैसे बदल रहा है? वो तो है। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम कभी ना रुके। ऐसा क्यों सोचा तुमने? ऐसे ही मुझे लगा कहीं डॉक्टर आदर्श गीता जी को शहर वापस ना ले जाए। वो ऐसे नहीं जाने वाली। हाँ देखो, वो चाहे जाए या ना जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में आज से ही पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैं तुम्हारे साथ शहर नहीं जा सकती। तो कोई बात नहीं, थोड़े से समय की तो बात है, उसके बाद तो मैं जमीन खरीद लूंगा, फिर यही गांव में आकर तुम्हारे और अम्मा के साथ रहूंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। सुधा, तुम्हें पता है शहर में औरतें हर काम करती हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर भी वही आत्मविश्वास हो जो गीता जी के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव वालों के लिए ऐसे काम करो जिनमें भलाई हो। और देखो, मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग तुम्हें प्रेम की पत्नी के रूप में नहीं, मुझे सुधा के पति के रूप में जाने। मैं सब कुछ कर लूंगी और अपना परिचय नहीं बदलूंगी। हाँ, अब तक हमने कितने ढेर सारे अक्षर सीख लिए हैं। चलो अब सीखें कि अक्षर शब्द कैसे बनता है। अ, क्ष और र, अक्षर। ये है मात्राएं। अब तक तो तुमने सारी मात्राएं सीख ली हैं। अब सीखो मात्राएं शब्द। म आ का डंडा, त्र आ का डंडा,
ए और बिंदी, का क्ष आ का डंडा कक्षा, जहां सब मिलकर पढ़ने बैठ जाएं वही कहलाती है कक्षा। ये देखो ये है कक्षा। ये मूंछों वाला बड़ी सी पगड़ी पहने कौन है? क्ष त्र बड़ी की मात्रा, ये है क्षत्री। श छोटी की मात्रा, क्ष आ का डंडा शिक्षा। किसी भी उम्र में शिक्षित होने में कैसी शर्म। देखो ना मौसी अब गौरी से शिक्षा ले रही है। शिक्षा। आ भाई पंडता, चलिए ऋषि के ऐसे दर्शन करन लई। जरा ठहर दर्शन, छोटू को ढाबे के बारे में समझा दूं, अब कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। ओए रब दा ध्यान ला, होटल दी फिक्र ना कर। भाई अभी छोटा है, ग्राहकों को डील करना जरा मुश्किल होता है। ना दा छोटू है, काम विच बहुत होशियार है। अरे जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ दर्शन, तभी तो तेरे साथ उस पर पूरा ढाबा छोड़कर जा रहा हूँ। बेटे छोटू, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो अपने रहीम चाचा के पास चले जाना। चल आप चल भी। चल भाई चल, अब चल बै जा। का क्ष आ का डंडा कक्षा, आ क्ष र अक्षर, क्ष त्र बड़ी की मात्रा क्षत्री, य आ का डंडा त्र आ का डंडा यात्रा, म आ का डंडा त्र आ का डंडा मात्रा, श छोटी की मात्रा क्ष आ का डंडा शिक्षा। बहनों इतने दिनों में हमने साथ साथ लिखना पढ़ना सीखा, अच्छी अच्छी बातें सीखी। पढ़ाई यहीं खत्म मत कर देना, आगे और भी पढ़ना। दूसरों को भी पढ़ने को कहो और पढ़ाओ। देखो पढ़ना लिखना बहुत काम आएगा, ठीक है ना? अच्छा खुदा हाफिज। बेटा आप जरा अपना ध्यान रखिए। अरे अम्मा तू मेरी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, बहुत थक जाती है आजकल तू। अम्मा तू ये दुकान बंद क्यों ना कर देती? अरे बेटा बंद क्या कर दूं, दुकान से मेरा ध्यान बटा रह गया। अरे मौसी अब तो तू पंच है, पंचायत के 10 काम होंगे, फिर तू स्कूल जाएगी और मैं भी तो हूँ तेरे साथ अब। हाँ बेटा सो तो है, पर गांव वालों को परेशानी भी तो होगी। तू एक काम कर अम्मा, तू अपनी ये दुकान जो है किसी और को दे दे। हाँ किसे दे दे? पर परेम अब तो कोई 100 का लोट भी देना मुझे, तो भी उसका हिसाब कर लूं। हाँ लगता है अम्मा गौरी ने बहुत पढ़ा लिखा दिया तुझे। और क्या किसे दे दूंगी दुकान, किसे देगी मौसी? कालू की विधवा को। पंचायत में फैसला हुआ था कि गांव वाले उसके लिए कुछ करें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा है बेचारी। अरे अम्मा तू तो बड़ी समझदार है, मैं तो तुझे बिल्कुल ही बुद्धू समझता था। अच्छा फौज की वर्दी पहन के माँ को बुद्धू बतावे? अरे पंचों गांव की हुक्का पानी बंद करवा दूंगी। हाँ अच्छा अम्मा तू देख ले, सारा गांव मेरी तरफ होगा, अकेली पड़ जाएगी तू। अरे नास पीटे, क्यों मेरे अकेलेपन की याद दिलावे मुझे? अरे अम्मा तू अकेली कहाँ है, सारा गांव तेरे साथ है, और फिर ये बैठी ना हट्टी कट्टी। मेरे 50 बार कह दिया, नजर मत लगाया कर छोरी को। नजर कहाँ लगा रहा हूँ अम्मा, अम्मा चलूँ मैं?
बस आने वाली होगी। आधे से ज्यादा गांव सड़क के पास मेरा इंतजार कर रहा है। पहचान गई ना, रस्सी ने ही तो बनाया था अक्षर र। अक्षर र को दूसरे अक्षरों से मिलाकर लिखने के लिए उसके तीन रूप प्रयोग में आते हैं। र को उलट दो और इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला, वो है इसका एक रूप और दूसरा है नीचे का टेढ़ा हिस्सा। र का तीसरा रूप इसी टेढ़े हिस्से को दो जगह रखने से बन जाता है। अक्षर ज को पहचानती हूँ ना, अब ज की नाक पकड़कर मोड़ दो नीचे की ओर, बन गया ज्ञ। ये है ज, ज की नाक पकड़कर मोड़ दी नीचे की ओर, बन गया ज्ञ। सुधा, एक बात कहूँ, मुझे बहुत ही खुशी है कि तुमने स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया। आपको याद है बहन जी, मैं तो हमेशा से पढ़ाना चाहती थी, पर जब प्रेम ने आप ही कहा तो मुझे तो मैं मांगी मुराद मिल गई। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जानती हो क्यों? क्योंकि इस स्कूल को मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह तुम चला सकते हो। ऐसा ना कहें बहन जी आप, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं। पगली, ऐसा नहीं कहते, तुम तो मेरे माथे का ताज हो। अच्छा, ये लो रजिस्टर और ये स्कूल की चाबियाँ। तो क्या आप आज ही चली जाएंगी? हाँ सुधा, अब तो जाना ही होगा। हमसे मिलने आया करेंगे ना? क्यों नहीं, ये गांव और इस गांव के लोगों का प्यार, ये तो मेरी कमाई है। और क्या है मेरे पास? अच्छा अब चलो। ये है अक्षर त्र। इसे याद रखने के लिए बस शेर का खुला जबड़ा याद रखो, जो होता है बिल्कुल अक्षर त्र जैसा। ये है अक्षर न, और अगर इससे आकर अक्षर द टकरा जाए तो बन जाता है अक्षर क्ष। याद रहेगा ना, अक्षर न से लटका हुआ अक्षर द बन जाता है अक्षर क्ष। गौरी, मुझे याद किया करेगी ना? हाँ, खत लिखूंगी, खुद जवाब देना। हाँ मेरी लाडो, खुद ही जवाब लिखूंगी तुझे। पढ़ती रहना माफी, कभी ये ना सोचो गौरी चली गई है। ना बेटा, गौरी मुझसे मिलने आया करेगी ना? हाँ आऊंगी देखने के लिए, अगर तुम पढ़ती हो या नहीं। अच्छा, ले मिठाई खा ले, ले खा। अरे खा ले, इतना सा खाने में दांत थोड़ी खराब होंगे। ले ऐसे। अरे मौसी, जब प्रेम भाई आएंगे उनको मेरी नमस्ते कहना। कह दूंगी बेटा। और उनसे कहना मुझे खत लिखें। जरूर लिखेगा। और सुधा दीदी से कहना वो भी अलग से लिखें। हाँ हाँ कह दूंगी, पर तू मिठाई तो खा। पेट भर गया। तेरा तो पेट भर गया मेरी बच्ची, पर तुझे देखते देखते मेरा जी नहीं भरा। अच्छा,
मिलने आना। बस बस जाने। चलो चलो बेटा। जा बहन जी के साथ। बहन जी बहन जी चिट्ठी लिखना जरूर। बड़ी चिट्ठी लिखना है बहन जी का ख्याल रखिए। नमस्ते बहनों। बहनों आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? देखो ना, हम लोगों ने इतने दिन साथ साथ पढ़ना लिखना सीखा, अच्छी अच्छी बातें सीखी, कितना मजा आया ना। बहनों पढ़ाई लिखाई कितना बड़ा वरदान है। एक वादा करो मुझसे कि तुम लोग पढ़ती रहोगी, लिख सीखती रहोगी इसी तरह। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ मन तो नहीं है पर जाना है। नमस्ते। मेहनत करने में आती है क्यों शर्म, मेहनत करने को ही समझो अपना धर्म। ये गाड़ी क्यों रुकवा दी? याद है आदर्श, एक दिन गांव में तुमने मुझसे कहा था गांव में तुम्हारा काम खत्म हुआ, चलो शहर लौट चलें। हाँ कहा था। फिर ये चौराहा देख रहे हो, यहाँ से कोई भी सड़क ले लो, रास्ते में ऐसे ही कितने ही पिछड़े हुए गांव तुम्हें मिलेंगे जहाँ अभी भी लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंची है, छोटी बड़ी बीमारियां उन्हें घेरे रहती हैं। जानते हो वहां वो लोग रहते हैं जो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा कर्ज है हम पर। एक हम हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, आराम से जिंदगी बिताते हैं, बेहिसाब दौलत है हमारे पास, और एक वो जो अनाज बोते हैं, अनाज काटते हैं और फिर भूखे पेट सो जाते हैं।
वो और उनके बच्चे। रीता, तुम बहुत भावुक हो रही हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस गांव में मेरे काम खत्म होने का अर्थ है कि यही काम मैं कहीं और जाके शुरू करूं, फिर कहीं और, उसके बाद कहीं और। रीता, ये जीवन एक ऐसा चौराहा है, किसकी किसी भी सड़क पर मुड़ जाओ तो काम ही काम है। रीता, तुम लोगों की राह में शिक्षा के दीप जलाती रहना और मैं उनके जख्मों पर मरहम रखता रहूंगा। शिक्षा दी जला के अपनी मंजिल पाना है।